गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हार्ट टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग कुछ कह रही होती है, बट हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये हमारे दिमाग का कोई ख्याल होगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। ग्रुप वन, ये है आपका कार्ड जो कहता है डेस्टिनी। ग्रुप टू, ये है आपका कार्ड जो कहता है एनलाइटनमेंट। एंड ग्रुप थ्री, ये है आपका कार्ड जो कहता है क्वेस्ट। तो आप वीडियो को यहां पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने डेस्टिनी चूज किया था तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से हम लोग पता करेंगे कि आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है अंतरात्मा, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिलैक्सेशन, द सन, इनटू द अननोन और लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है, मुझे जितने भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको दूंगी, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हर चीज का इतना लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दूर दूर तक किसी भी तरीके से आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में सोच करके, टेंशन लेकर के, हाइपर हो करके, स्ट्रेस लेकर के ये सोचना कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, एक ही टॉपिक पर मल्टीपल रीडिंग्स लेना, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, ये सबका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप वो सारा जो आउटवर्ड फोकस है, वो जो नॉइज है उसको शट आउट करो, अपना फोकस वापस इंटरनली शिफ्ट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा अनवाइंड करो। इनफैक्ट यहाँ पर रिलैक्सेशन से बहुत क्लियर कर दिया आपके इंट्यूशन ने कि आजकल आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप कहीं बाहर निकलते हो, जब काम का स्ट्रेस ले रहे हो, तो एकदम से आपका इंट्यूशन किसी बुक का टाइटल आपके जहन में डाल देता हो या कोई गाना आपके दिमाग में एकदम से आ जाता हो। ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। दिमाग को तो स्पेशली आराम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट क्योंकि आपका पहला कार्ड है रिलैक्स करना और आखिरी कार्ड यहाँ पर है लेट गो करना, इससे भी ये मैसेज बहुत क्लियर है कि कई बार आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप बौखलाने लगते हैं। अगर ये एक आपकी हैबिट है, हो सकता है बचपन से हो, तो उसके ऊपर भी आपको काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। दूसरी चीज यहां पर इंडिकेट हो रहा है द सन कार्ड के साथ, आपका इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इनटू द अननोन। कई बार आपका क्या होता है ना कि आप फ्यूचर के बारे में सोच करके ही डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, क्योंकि आपको उसका एक एक डिटेल मालूम नहीं है। आपको नहीं पता है कि कोई चीज कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो जो मेरे फेवर में ना हो। तो आपके ये सारे जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं ना, ये आपका ईगो बोल रहा है। आपका जो इंट्यूशन है वो हो सकता है धीरे से बेचारा कहीं बीच में बोलने की कोशिश कर रहा हो कि सब ठीक होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसकी आवाज ड्राउन हो जाती है, डूब जाती है उसकी आवाज आपके डर के शोर के बीच में। तो सन कार्ड से अगेन आपका इंट्यूशन यहाँ पर बिल्कुल हमारे लिए क्लियर कर रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है जिसका आगे क्या होगा आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, एंड ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने अभी अभी डेट करना चालू किया, तो आपको नहीं पता कि ये मामला आगे शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर आपने अभी अभी कोई जॉब ज्वाइन की है, सो यू डोंट नो कि इसमें आप आगे कितना टिकोगे, या आपने अभी अभी अपना कोई खुद का बिजनेस डाला है तो उसमें कितना मुनाफा होगा इस क्वार्टर में या एनुअल कितना मुनाफा आपको आने वाला, आपको नहीं पता। तो आपका इंट्यूशन आपको ये बता रहा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, इसीलिए आपकी रीडिंग में द सन निकल करके आया है। सन एक बहुत ही पॉजिटिव, ब्राइट, रेडिएंट एनर्जी होती है। आपका इंट्यूशन सन कार्ड के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कई बार आपका दिमाग, आपका ईगो ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि आपका पूरा दिन सिर्फ चिंता में बीत जाता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कोई काम करने के लिए बैठे
आपका ईगो एक्टिवेट हो गया, आपके फियर्स एक्टिवेट हो गए और आप फ्यूचर की इतनी टेंशन लेने लगे कि कब 2-3-4 घंटे निकल गए, आपको पता भी नहीं चला, आपका काम भी नहीं हो पाया, टाइम वेस्ट हो गया। और टाइम किस चीज़ में वेस्ट हुआ? ऐसी चीज़ों के बारे में फिक्र करने में जो कि आप, लाइक आई सेड, जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सो इसेंशली टाइम वेस्ट ही हुआ आपका, राइट? तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपको कह सकते हैं एक तरीके से कि इनकरेजमेंट दे रहा है, आपके डर शांत करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। ये एक बात की आप गांठ बांध सकते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपको भले ही उसके एग्जैक्ट डिटेल्स ना पता हो, लेकिन उससे डरने की, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरप्राइज गिफ्ट के बारे में आप सबने सुना होगा, आपको बहुत बार हो सकता है मिले भी हों। जब आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा होता है, ऑल्दो टेक्निकली हर ही गिफ्ट सरप्राइज होता है, हर नहीं मोस्टली, एनीवे, आपको नहीं पता ना कि उस पैकेज बॉक्स के अंदर क्या है, वो तो मस्त ऐसा गिफ्ट रैप्ड है, उसके अंदर से क्या निकलेगा यू डोंट नो, लेकिन उस समय आपको डर नहीं लग रहा होता है, अनलेस अनटिल दिवाली का टाइम हो और आपको इस बात का डर लगे कि हमारी वाली मिठाई किसी ने हमें ही ना चिपका दी हो। एनीवे, तो सिमिलरली आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर वो चीज जो आपको नहीं पता है क्या है, जरूरी नहीं कि कोई डरावनी चीज हो, अच्छी चीज भी हो सकती है और आपके केस में तो गारंटीड ही अच्छा आउटकम है। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। टेम्परेंस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंड्स। ये डिफरेंस बहुत क्लियर है यहाँ पर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाले कार्ड में आपको ये बंदी दिखेगी, दोनों तरफ से कौए से चें चें कर रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाले कार्ड में एक ठहराव है, एक शांति है, वो लेट करके आराम कर रही है। तो इससे भी आपका इंट्यूशन बेसिकली वही मैसेज आपको दे रहा है कि जो टाइम आपका जाता है कन्फ्यूजन में, चिंता में, कि आज मुझे ये फैसला लेना है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने ऑप्शन ए चूज किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने ऑप्शन बी चूज किया तो कहीं वैसा ना हो जाए, एंड बिफोर यू नो इट वो मौका ही आपके हाथ से चला जाता है। पता चला वो नौकरी उठा, इससे पहले कि आप अपना ईमेल पर रिस्पॉन्स लिख करके भेज सको कि हाँ आई एक्सेप्ट, आपने इतना टाइम लगा दिया अपना रिस्पॉन्स भेजने में कि सामने वाले बंदे ने बोला कि भाई रहने दो, अब रखो अपना रिस्पॉन्स अपने पास, हमें तो अर्जेंटली जरूरत है, हमने किसी और को अब ले लिया है। तो कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके डरों की वजह से, आपके टेंशन की वजह से आपके हाथ से मौके गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज गई हैं और आपका इंट्यूशन नहीं चाह रहा है कि यही चीजें आगे भी रिपीट हो। इसीलिए टेम्परेंस के साथ आपका ईगो आपको चाहता है कि आपको लर्न हो, आप सीख सको कि आपको अपने दिल और दिमाग को कैसे संतुलन में रखना है। ये भी ठीक नहीं है कि हर ही समय हम सिर्फ दिल से काम ले रहे हैं, हर समय हम सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, तो उसके बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है। और अगर कभी भी ऐसा लगे आपको कि आपको कोई फैसला लेना है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है लेकिन उसी वक्त आपका दिल या जो आपका इंट्यूशन है वो कुछ और कह रहा है, तो उस समय आपको जरूरत है कि आप रुक जाओ, 2 सेकंड सांस लो, थोड़ी बहुत नहीं मतलब डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ और फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचो, उसके बाद आप कोई फैसला लो। आपके केस में क्या होता है यहाँ पर टेम्परेंस ऑफ टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि हमेशा किसी एक ही दिशा में आपका दिमाग बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, आपका ईगो बहुत आगे निकल जाता है और फिर वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाता है कि अब इतना टाइम खपा दिया इस एक चीज के बारे में सोचने में कि अब हिम्मत ही नहीं बची है, स्टैमिना ही नहीं बचा है कि हम दूसरा ऑप्शन भी कंसिडर कर सकें। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने हेड और हार्ट के बीच में, अपने ईगो और इंट्यूशन के बीच में बैलेंस बिठाने के लिए आपका इंट्यूशन कह रहा है। आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताना चाह रहा है कि कोई ऐसा शख्स जिसने आपको हमेशा सिर्फ एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया था, जबकि आपने हो सकता है दिलोजान से उनको चाहा हो, बहुत एफर्ट मारा हो कनेक्शन में, लेकिन उस वक्त भी और आज भी आपका इंट्यूशन उस इंसान को लेकर के फुली कन्विंस्ड नहीं है। ग्रुप वन, आप हो सकता है पिक अ कार्ड देख करके जबरदस्ती मैसेजेस अपने ऊपर अप्लाई करते रहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो साइन नहीं भी है उसको भी आप, अरे ये तो साइन है बोल बोल करके वो करते रहते हो, लेकिन आपके इंट्यूशन को मालूम है, आपके अंतरात्मा को मालूम है, जिससे कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए लेटिंग गो के ठीक नीचे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल करके आया, जिसको कि अक्सर प्लेयर्स की एनर्जी माना जाता है, यू नो, ऐसे लोग जिनके लिए प्यार, रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट, लॉयल्टी, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं होते हैं, वो आज यहाँ है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ होंगे।
तो ये जो कोई भी शख्स है आपके पास्ट में था, ये कोई इंसान या फिर अभी हाल ही में आपकी लाइफ में आया था, जो कोई भी है, उनको लेट गो करना है आपको. उस इंसान के लिए आपको मूव ऑन, मतलब उस इंसान के लिए आपको वेट नहीं करना है, उनसे आपको मूव ऑन करना है. और उनसे मूव ऑन करने के लिए आपका इंट्यूशन बहुत समय से आपको नजेस दे रहा है कि अब उसको लेट गो करो, अब उसको स्टॉक मत करो, अब उससे बात मत करो, प्लीज़ उसको मैसेज मत भेजो, प्लीज़ उसको कॉल मत करो. क्यों? क्योंकि अनलेस एंड अंटिल आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं करोगे, आप हील नहीं कर पाओगे, आप स्टक रह जाओगे उसी एक सिचुएशन में, उसी साल में, उसी महीने में, उसी लम्हे में, और फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप हील नहीं कर पाएंगे. और हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? इसीलिए आपका इंट्यूशन यहाँ पर ऑल्सो ओके. जब एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं तो यही होता है. खैर, सो पहला मैसेज मैंने आपको बता दिया कि पास्ट में अगर कोई ऐसा शख्स था जो आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट करता था, लॉयल नहीं था, उसको आपको लेट गो करना है, तभी आप हील कर पाओगे. और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो किसी से, एक बार ऑलरेडी आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है लव लाइफ में, तो आपको अब डर लगता होगा अपना हार्ट फिर से ओपन अप करने में टू न्यू पीपल. आपको लगता होगा कि यार फिर से मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट वो आपका ईगो है जो आपको शील्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको रोक करके रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके साथ फिर से कोई बुरा एक्सपीरियंस हो. लेकिन आपको सुननी अपने इंट्यूशन की, और आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है. पास्ट में भले ही किसी ने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन बिना किसी नए बंदे को फेयर चांस दिए हुए आप नहीं जज कर सकते हो, आप नहीं कह सकते हो कि ये कैसा निकलने वाला है. इसलिए एटलीस्ट ट्राई, क्योंकि पहले भी आपके साथ हो चुका है कि अच्छे मौके आपने गंवाए हैं. आपका इंट्यूशन नहीं चाहता कि आगे भी यही चीज़ हो, ठीक है? इसलिए चाहे कोई नया इंसान हो, चाहे नया कोई जॉब ऑफर हो, अगर आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि एटलीस्ट एक मौका दे करके देखो इस चीज़ को, तो ज़रूर आपको ट्राई मारना है वहां पर. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप वन. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए. वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाय ग्रुप टू, अगर आप लोग ने एनलाइटनमेंट वाला कार्ड चूज किया था तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ, स्ट्रैटेजी, मैजिक प्रेयर और चिल्ड्रन. नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड. ऑलराइट, पहली चीज तो अगर आपका कोई बच्चा है जो आपसे दूर रह रहा है, किसी हॉस्टल में रह रहा है, किसी ट्रिप पर गया है, ट्रैक पर गया है, छुट्टियों में गया है, या किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में आपने उनको पढ़ने के लिए भेजा है, और आपको हर वक्त उनकी टेंशन लगी रहती है कि वो ठीक है या नहीं, तो आपका इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने डरों को इतना हावी अपने ऊपर मत होने दीजिए. बिकॉज आपका दिल जानता है कि आपका बच्चा एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड है, बिल्कुल सुरक्षित है. उनको यूनिवर्स का, स्पिरिट का फुल प्रोटेक्शन मिला हुआ है. प्लस मैजिक प्रेयर यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि आपकी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके बच्चे के साथ, वो भी बहुत काम आ रही हैं. और इन सारी ताकतों ने मिल करके आपके बच्चे को, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही हो, अगर आपके कोई बूढ़े पेरेंट्स हैं जो आपसे दूर रहते हैं तो वो भी इंक्लूडेड हैं इस चीज़ में. आपके भाई बहन अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो हर ही कोई इंसान जो बेसिकली आपके दिल के नज़दीक है लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो हर कोई आपके ब्लेसिंग्स की वजह से और यूनिवर्स के प्रोटेक्शन की वजह से सेफ है. ऑलराइट, दूसरा बड़ा मैसेज जो यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको देना चाह रहा है वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन आप फुली उसके अंदर अभी तक डीप डाइव आपने मारा नहीं है. कोई ऐसा काम है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं लेकिन आप स्टार्ट करते हैं छोड़ देते हैं, स्टार्ट करते हैं आप काम थोड़ा सा करना फिर छोड़ देते हैं. अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बुक लिखना आप चालू कर देते हैं बीच में ही आप छोड़ देते हैं, कोई गाना कंपोज करना चालू कर देते हैं बीच में छोड़ देते हैं, कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं आप अपनी हॉबीज के लिए या किसी चीज के लिए, एक दो पोस्ट डाल करके फिर आप गिव अप कर देते हैं. लेकिन जहां एक ओर आप अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हैं या आप डाल ही नहीं रहे एफर्ट, वहीं दूसरी ओर आप मैनिफेस्टेशन या जहां भी जा रहे हैं वहां पर इसी चीज से रिलेटेड आप प्रेयर्स कर रहे हैं. आपका इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि
अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जो आप पाना चाहते हैं, कोई गोल है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप केवल और केवल यूनिवर्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और स्ट्रैटेजी के साथ आपका इंट्यूशन आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि जो ताला आप खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके लिए आप इधर उधर प्रेयर्स कर रहे हैं या और लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, उस ताले की चाबी तो स्टार्टिंग से आप ही के पास है। आपको बस वो बात नजर नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा, वो रोड मैप आपको खुद बनाना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज तो नामुमकिन है, नहीं हो सकता है एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन का जिक्र है मैजिक प्रेयर के ठीक बगल में, इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो कोई भी आपकी विश है, ये विश इन इटसेल्फ प्रोटेक्टेड है। इट्स जस्ट दैट इसमें आपको यूनिवर्स को हाफ वे मीट करना है। वो अपनी तरफ से अपना पार्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपकी प्रेयर को, आपकी इस विश को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि ठीक है आपको लाइफ में ये अचीव करना है, आपको ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो एफर्ट करना है वो स्टार्ट करने की बस देर है यहाँ पर। दूसरी बात जो आपका इंट्यूशन आपको बताना चाहे, दूसरी नेचुरली तीसरी चीज है यहाँ पर, प्लीज एक्सक्यूज द डॉग्स, जो ट्रूथ के साथ यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। शायद हाल ही में किसी ने आपको किसी तरीके का कोई कन्फेशन दिया है, या बहुत समय बाद किसी ने आपके साथ वापस से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया है और आपको ऐसा बोला है कि हाँ यार बहुत टाइम से बात नहीं हो पाई थी क्योंकि ऐसा वैसा, या मैं यहाँ फंसा था वहां फंसी थी, या फिर अगर ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है जो लौट करके आया है तो भी हो सकता है उन्होंने आपको रीजन दिया हो कि उन्होंने क्यों सडनली आपकी लाइफ से वो चले गए थे, या क्यों उन्होंने सडनली आपको गोस्ट कर दिया था, आपसे बात करना बंद कर दिया था। लेकिन आपका इंट्यूशन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका पास्ट का पर्सन हो, और कुछ भी रीजन हो, जो भी बात आपको हाल ही में पता चली है, किसी ने आपको बताया है, जो बहाना दिया है, वो एक्सक्यूज दिया है, दैट इज व्हाट इट इज। वो सिर्फ एक बहाना और सिर्फ एक एक्सक्यूज है। उन्होंने बहुत अच्छे से घी चुपड़ करके वो चीज आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन वो सच नहीं है। और आपका दिल इसीलिए उस अपोलॉजी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके इंट्यूशन को पता है कि ये मुझे सच नहीं बता रहे हैं, ये एटलीस्ट मुझे पूरा सच तो नहीं बता रहे हैं। जो जो पार्ट्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट है उन्होंने बस उतना उतना मुझे बताया है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे इन्होंने नहीं बताई हैं, मुझसे छुपाई हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ कप्स एक्चुअली यहाँ पर मेरे लिए कंफर्म कर रहा है जो चीज मैंने आपको बताई, कि अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में अभी लौट करके आया है, वो जो भी आपको रीजनिंग दे रहे हैं अपने एब्सेंस की, दैट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको इस चीज की ओर पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको इनफैक्ट हो सकता है इस चीज से रिलेटेड ड्रीम्स भी आजकल आ रहे हो, लेकिन शायद आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान को। उन्होंने जो बोला आपने ओ अच्छा अच्छा करके आपने सुन लिया, आपका दिल नहीं माना है, आपका इंट्यूशन नहीं माना है, और हो सके तो आपको उनको कन्फ्रंट करना चाहिए। आप उगलवा सको उनसे तो ऑफकोर्स वो अलग चीज है, या और कहीं आप पता कर सको तो अलग बात है, लेकिन इतनी आसानी से सिंपली उनकी हर बात मान जाना, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं आपके साथ वापस से एक होने के लिए, फिर से आपका दोस्त बनने के लिए, बट इतने आसानी से आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको माफ मत करो, ऑफकोर्स आप उनको माफ कर दो, इनफैक्ट उस चीज के लिए भी कहीं पर भी आपका इंट्यूशन आपको रोक नहीं रहा है, बस आपका इंट्यूशन आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप दोबारा किसी के छलावे में ना फंस जाओ, आप दोबारा किसी की मीठी मीठी बातों में ना आ जाओ। फिर यहां पर ये भी नजर आ रहा है सिक्स ऑफ वंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपका ये जो भी ड्रीम है जिसके जरिए आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप दौलत शोहरत नाम कमाना चाहते हैं, वो सारी चीजें एब्सोल्युटली मुमकिन है, लेकिन रास्ते का कांटा जो चीज बन रही है वो है आपके खुद के डर। हो सकता है कि ये जो भी क्षेत्र है जिसमें आप नाम कमाना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गज मौजूद हों। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, आपका राइटर बनने का सपना है, तो आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं, पहले के भी जिनकी कविताएं हमें आज तक पढ़ाई जाती हैं, एंड ऑफकोर्स अभी के भी। तो आपको ये डर लगा रहता होगा कि अगर मैंने किताब लिख भी दी तो उसको खरीदेगा कौन या उसको पढ़ेगा कौन, तो क्या फायदा क्या फायदा।
लेकिन आपका इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ट्राई तो करो, बिना ट्राई किए हुए गिव अप कर देना सिर्फ ये बोल करके कि अरे मुझे तो पता है कोई पढ़ने नहीं वाला, अरे मुझे तो पता है किताब बिकने ही नहीं वाली, आपको नहीं पता, ये आपका डर बोल रहा है, ये आपका ईगो बोल रहा है, आपका दिल कन्विंस्ड नहीं है इस चीज से, आपका इंट्यूशन भी कन्विंस्ड नहीं है, आपका इंट्यूशन उल्टा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है और अगर आपने वो किताब लिख दी तो बिल्कुल तूफान मच जाएगा पूरे मार्केट में, बहुत बहुत नाम, कामयाबी, दौलत, शोहरत, हर चीज आपको मिलेगी उस एक किताब के दम पर, लेकिन पहल करने की जरूरत है और वो पहल ऑफकोर्स आपको ही करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी वाला कार्ड भी निकल करके आया था कि अगर आपका सपना राइटर बनने का है तो उसके लिए किताब तो लिखनी पड़ेगी ना, बिना कुछ लिखे हुए तो आप राइटर बन नहीं सकते, राइट? और ये जो भी आपके दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन एनी केस मेंटल प्रिजन टाइप का होता है, मतलब हम ऐसी चीजें सोच सोच करके चिंता करते रहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई हार्ड एविडेंस नहीं है कि हाँ ये होगा ही होगा, और आप भी जो सोच सोच करके टेंशन लेते रहते हैं कि मुझे तो सक्सेस मिलनी नहीं है इस चीज में, मुझे तो सक्सेस मिलनी नहीं है, वो आपका ईगो है, क्योंकि आपका जो दिल है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो इंट्यूशन है, उसको पता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी सक्सेस इन एनी केस यहाँ पर भी बहुत क्लियरली दिख रहा है सिक्स ऑफ वॉन्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ग्रुप टू, कि आपकी सक्सेस गारंटीड है। इनफैक्ट कुछ ऐसा है जो आप क्रिएट करोगे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई कविता हो, कोई कहानी हो, जो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐप हो, आपके किसी क्रिएशन से सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत लोगों का, पूरी ह्यूमैनिटी का भला होना है। बहुत महान चीजें हैं जो आपको करनी है, लेकिन अगर आप अपनी ईगो के डर में ही फंसे रह जाएंगे तो ऑफकोर्स वो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये राइट टाइम है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, और जो आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रहा है कि समय निकालो, बैठो, लिखो, या जो कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या गोल है, उस चीज के ऊपर जितना जल्दी आप काम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। एंड लाइक आई सेड, नॉट मी, आपका इंट्यूशन जैसे बोल रहा है कि बिना कोई चीज किए पहले से ही गिव अप आपको नहीं करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप टू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने क्वेस्ट चूज किया था तो सबसे पहले आपके ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिलीज, गॉडेस ऑफ द मून, फ्लाइंग, और नॉलेज, सीक नॉलेज। ऑलराइट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपके डरों से बहुत ज्यादा तंग आ गया है, दुखी हो गया है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग अपने इंट्यूशन की सुन ही नहीं रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डरों को ही एंटरटेन कर रहे हैं, डर की जो भी आपके डर हैं, चिंताएं हैं, उसी में आप खोए रहते हैं। आप इससे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ग्रुप वन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, या उस पाइल में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस हो सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। फिलहाल दो बहुत क्लियर कट मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला तो ये, आपका इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई एक ऐसी चीज खास तौर पर जिसको आप लेकर के बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, वो डर आपका व्यर्थ है। वो डरने की, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना जल्दी आप उस डर को रिलीज कर पाएंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका डर है ये आपको रोक करके रखे हुए। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आपको पानी से डर लगता हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट एंड ऑफकोर्स मैंने ये एग्जाम्पल पिक किया है, बट ये है चीज थोड़ी सीरियस। खैर, हो सकता है आपको पानी से डर लगता हो, लेकिन आसपास के लोगों को देख करके आपका मन भी करता हो बहुत कि मुझे भी स्विमिंग करनी है, या मुझे भी यू नो स्विमिंग कॉम्पिटिशन में स्कूल के पार्ट लेना है, स्विमिंग टीम में मुझे भी होना है, वो सारी चीजें। और हालांकि आपके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर और हर कोई आपको बता बता करके थक गए हैं कि पूल इतना गहरा नहीं है, हम आपको डीप साइड पर नहीं जाने देंगे, शालो साइड पर रखेंगे, या ये पूल सिर्फ 2 फीट, सिर्फ 3 फीट गहरा है, बॉयंसी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं डूबोगे, आपकी बॉडी खुद ऊपर आ जाएगी, फलाना ढिमकाना, लेकिन आप नहीं समझ पाते सामने वाले की बात। आपका इंट्यूशन भी आपको बोल रहा होता है कि एक बार पानी में पैर डाल करके तो देखो, एक डुबकी मार करके तो देखो, लेकिन वो जो फियर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है
कि इंट्यूशन की उसके आगे चलती नहीं है, और उससे हो क्या रहा है, आप बहुत अच्छे स्विमर बन सकते हैं, आप डेफिनेटली टीम में आ सकते हैं, आप हो सकता है देश के लिए भी खेल सकें, मेडल्स लेकर के आ सकें, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जो एक कदम आपको उठाना है अपने डरों वाले उस बाउंड्री को क्रॉस जो आपको करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये टाइम है आपका आपके इंट्यूशन की सुनने के लिए। इनफैक्ट ये जो डर है यहां पर बताया जा रहा है कि चीज इतनी सी है और आपके ईगो ने उसको इतना बड़ा बना रखा है, आपके डर ने उसको इतना बड़ा पहाड़ के जैसे खड़ा करके रखा हुआ है आपके सामने उस डर को, जबकि छोटी सी बात है, जैसे नहीं कहते तिल का ताड़ बनाना, वो वाली चीज है, बात बहुत मामूली है, आपके ईगो ने तिल का ताड़ बना रखा है और आपको लगता है कि अब इससे तो भाई ओवरकम किया ही नहीं जा सकता, जबकि उसको रिलीज करना इतना मुश्किल नहीं है। आप में से कुछ लोगों को या तो अभी अपॉर्चुनिटी आई है या आगे अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हो सकता है आपने अप्लाई वगैरह कर रहे हो, करने का सोच रहे हो कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए या जा कर के रहने के लिए कोई दूसरी कंट्री जहां तक है, और कोई एक ऐसी कंट्री है या कोई एक ऐसा कॉलेज है या कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम बार बार आपका इंट्यूशन आपको आपके जहन में डालने की कोशिश करता है, यू नो, कि एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका या फिर कोई फला यूनिवर्सिटी इस तरीके से, लेकिन आपका ध्यान वहां जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन डर हावी हो जा रहा है कि अगर मैं गया दूसरी कंट्री में, फिर अगर वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, या मुझे एडमिशन नहीं मिला, या फिर मैं ढंग से पैसे नहीं कमा पाया, या मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा। फ्लाइंग यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि चीज होने से पहले ही आपका ईगो क्या करता है कि आपको एक फॉल्स पिक्चर दिखा देता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, और फिर आप आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाते हो, और वही चीज से आपका इंट्यूशन यहां पर परेशान दिख रहा है। इनफैक्ट नॉलेज यहां पर बता रहा है फ्लाइंग के साथ कि आप जहां पर भी रह रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी आपकी हो सकती है अगर आप उस जगह को छोड़ करके बाहर चले जाएं तो। एंड ऑफकोर्स बाहर चले जाना हर किसी के लिए दूसरी कंट्री नहीं होगा, आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ ये कोई दूसरा शहर या दूसरा राज्य भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है, मान लो आप लोग एक बॉक्स के अंदर ही अभी जी रहे हैं, एक वो कुएं का मेंढक बन करके अभी आप लोग बैठे हुए हैं, और इंट्यूशन आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है कि आप उस कुएं के बाहर छलांग लगाएं, लेकिन डर की वजह से आप लगा नहीं पा रहे हैं। और मजेदार बात यहां पर यह है कि उस छलांग के पार ही आपके सारे सपने, हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है अगर आप एक वो ब्रेव स्टेप उठा सकें तो। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन और द फूल। आपका ईगो आपको बहुत पुश कर रहा है आजकल किसी ऐसे इंसान को कांटेक्ट करने के लिए जिसने कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है और बहुत टाइम से आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया है, और आपका ईगो आपको बोल रहा है कि नहीं फिर से उनसे बात करो, और आपको ऐसा लग सकता होगा कि मुझे इंटुएटिवली ऐसा लग रहा है कि मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो आपका इंट्यूशन नहीं है, वो आपका ईगो है। आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं है उस इंसान की और एक्शन लेने की, वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन, उसके बिना आप ज्यादा खुश रहोगे, उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका मन शांत रहे, दिल शांत रहे, और आपको वाकई में ट्रू लव लाइफ में मिल सके, तो उसके लिए उस इंसान को, पास्ट वाले पर्सन को रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि उस कनेक्शन में कोई रेसिप्रोसिटी ही नहीं थी, हर वक्त तो आप ही इनिशिएट करते थे, हर वक्त तो आप ही एक्शन लेते थे, और जब थोड़ी देर के लिए आपने एक्शन लेना बंद किया, वापस से आपके ईगो ने चिल्लाना चालू कर दिया कि नहीं, कोई ना कोई बहाने से ना आपके दिमाग में कि अरे आज तो उनका बर्थडे है, आज तो विश करना बनता है, जबकि आपका इंट्यूशन नहीं चाहता है कि आप उस इंसान से कॉन्टैक्ट करें। इनफैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में हाल ही में कोई नया इंसान आया हो, या अगर अभी नहीं आया बहुत जल्द आएगा, और जब कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप देखना आपका इंट्यूशन तुरंत पॉइंट करेगा उस इंसान की तरफ और आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसको एक चांस दे करके देखो, उस नए इंसान को, पुराने वाले के चक्कर में आप मत पड़ो। तो इनफैक्ट आपके ग्रुप के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस समझ में आए ईगो और इंट्यूशन के बीच में,
ताकि ऐसा ना हो कि मुझे इंटुएटिवली लग रहा है मुझे वो पास्ट वाले पर्सन को अपने एक्स को कॉल करना चाहिए बोल करके आप पूरा कचरा कराओ वहां पर, ठीक है। तो ये समझ जाओ कि अगर अगर बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि नहीं जब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तब तो वो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन नहीं है, वो आपका ईगो है जो आपको इतना बेचैन कर रहा है, इतना रेस्टलेस आपको बना रहा है, क्योंकि इंट्यूशन इस तरीके से काम करता ही नहीं है। दूसरी चीज जो जो ज्यादा बड़ा मैसेज आपका इंट्यूशन यहाँ पर हम लोग को देने की कोशिश कर रहा था कि आपको चाहिए तो बहुत कुछ है लेकिन उस ओर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं डर की वजह से, और आप खुद को झूठा दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जहां हूं ठीक हूं, जितना कमा रही हूं उतने में ही खुश हूं, या उतने में ही मैं जितना कमा रहा हूं उतने में ही खुश हूं, यही मेरे लिए सफिशिएंट है। जबकि आपको पता है इंटुएटिवली यू नो कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर आप कमा सकते हैं, इससे बेहतर जिंदगी आप जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए या तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, मोस्टली आपको रिलोकेट करने की जरूरत है, या ये करंट जॉब छोड़ने की जरूरत है, बेसिकली कंफर्ट जोन जो आपका बन रखा है ना उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और आपके कंफर्ट जोन से आपका ईगो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा है, वो डरों का वहम वो पर्दा आपके आगे लगा रहा है। लेकिन अगर आपने अपने इंट्यूशन की सुनी, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले गए, नई जिंदगी को नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर अगर आपने किया, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको मटेरियल सेटिस्फैक्शन भी लाख गुना ज्यादा मिलेगा और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको ज्यादा मिलेगा। बस इतना सा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने ईगो से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।